राधे राधे। रात का समय है और हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं। वृंदावन में उतरते ही काफी भीड़ हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो हमने चाय पी और उसके बाद रात के बज चुके हैं 11 और अभी हम लोग खाना ही पैक करवा रहे हैं, क्योंकि एक जगह हमने खाना खाया था 400 अराउंड का पड़ा था और बहुत ही वाहियात खाना था। राधा रानी माँ का प्यार, बहुत बढ़िया खाना है यहाँ पे, आप आओ। पागल बाबा मंदिर के जस्ट सामने है ये होटल और बाहर से पागल बाबा मंदिर के कुछ व्यूज़ ऐसे हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, हम जा नहीं पाए, बट अगली बार कोशिश करेंगे हम यहाँ भी जाएं। मथुरा से वृंदावन, रात का जो 10 बजे का ये टाइम था ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आई थिंक 11 बज चुके थे और हम मथुरा से वृंदावन पहुँच चुके थे और यहाँ रात के 12 बज चुके हैं और हमें पूरे वृंदावन में कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भाई अमन, राधे राधे, सबसे राधे राधे। हमें एक भैया मिले हैं जो बोल रहे हैं कि 300 रुपये पर हेड लगेंगे रात स्टे करने के लिए, पर पता चला उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया और हमें हॉल में ले गए, जिस हॉल का प्राइस 300 पर हेड था। इतनी गंदी स्मेल थी, क्या बताऊँ। बट फाइनली एक जगह पे हमें एक रूम मिला, इसका बाथरूम वर्क नहीं कर रहा था, हमें दूसरा नीचे बाथरूम दिया गया था, पर ठंड में ये भी मिल गया, बहुत तसल्ली वाली बात है, वरना रात में हमारी कुल्फी जम जाती। यहाँ हमें ब्लैंकेट भी नहीं मिला था, हम खुद का लेके गए थे तो हम थोड़ा बच गए। ये जो भैया हैं, इनसे हमने रूम लिया था, ये हमें बता रहे थे कि सामान तुम यहाँ रख के जा सकते हो और हम उन्हीं के पास सामान रख के घूमने भी चले गए। हम फ्रेश फ्रेश होके नहा वहा के धोती वगैरह पहनना हमने शुरू कर दिया। अमन और उस विक्रम को धोती पहननी नहीं आती है तो मैंने इनको धोती बांधी और देखो इनकी मस्ती भी क्या चल रही है। विक्रम को मैं पहले ही धोती पहना चुका था और बस अब अमन की बारी थी। इसके बाद हम निकल चुके थे प्रेम मंदिर की तरफ। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रेम मंदिर। कहाँ जा रहे हैं? बोलो राधे राधे। राधे कहाँ गया? ये घूम ही रहता है। एंट्री लेते ही मेरे तो होश उड़ गए। इतना प्यारा मंदिर, इतना प्यारा मंदिर, भाई किसको इससे प्यार ना हो। इसका नाम भी बहुत सही है, प्रेम मंदिर। कान्हा जी के जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी या जो भी उन्होंने राक्षसों का वध किया था, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही जगह जगह पर हमें बनाकर दिखाई गई कि वो उन्होंने कैसे किया। और ये देखने में बहुत सुंदर था, यहाँ गोकुलधाम वासी बने हुए थे, गोपियाँ बनी हुई थी और ये मंदिर इतना भव्य और इतना सुंदर मंदिर था कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस आऊँ। मुरली बजाते हुए कान्हा जी क्या ही प्यारे लग रहे थे। इतना मतलब मुझे प्यार हो गया था ना इस जगह से कि मेरा तो यहाँ से वापस आने का सचमुच मन ही नहीं कर रहा था यार। पर फिर हमें टाइम की बाउंडेशंस थी कि हमें लिमिटेड टाइम में ही घूमना है, तो हम प्रेम मंदिर के जो मेन गेट है उसकी तरफ चल पड़े। सर्दियों में प्रेम मंदिर 8-8:30 बजे के बाद ही खुलता है। ये है प्रेम मंदिर का फ्रंट गेट, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसीलिए हमने यहीं तक वीडियो बनाई। उसके बाद मंदिर से बाहर आते हुए हमने कुछ वीडियो फुटेज ली और मंदिर के चारों तरफ की परिक्रमा की। मंदिर चारों तरफ से इतना प्यारा था, कहने की बात नहीं। और एक जगह तो यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी की इतनी अच्छी मूर्ति बनी हुई थी कि मेरा तो एक बार के लिए मन था कि मैं यहीं पे रुक जाऊं। बहुत ही प्यारा सीन था चारों तरफ से, आप किधर से भी देखो इस मंदिर को, हर तरफ से इतना प्यारा है कहने की बात नहीं। यही मूर्ति, इसी मूर्ति की मैं बात कर रहा था। देखो आप कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सचमुच बहुत ही मन भाने वाला ये दृश्य है प्रेम मंदिर का। इसी तरह से चारों तरफ से मंदिर की परिक्रमा करते हुए मैं घूमते हुए निकल ही रहा था, फिर आगे मैंने देखा कि जो कृष्ण जी और अर्जुन जी रथ पे सवार थे, वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे मूर्ति उनकी बनी हुई थी। ऊपर बैठे हनुमान जी भी आप देख ही सकते हो, कितना ही प्यारा लग रहा है ना। गोकुलवासियों को बचाने के लिए कान्हा जी ने जो गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, उसका दृश्य भी बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे दृश्य है ना कि आप लोग, कंफर्म बोल रहा हूँ, अगर जाओगे ना आप लोग नहीं रुक सकते हो। इसके बाद मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी और मैं फिर यहाँ से निकल चुका था श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को देखने और निधिवन को देखने। आपको अगर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर और निधिवन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और मेरी अगली आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना। राधे राधे।